तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गी जो चूजे वाली होती है दोस्तों, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, बरसात में जो मुर्गियाँ अंडे देती है और आप उसे अंडे पर बिठाते हो, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो देसी मुर्गी ने अंडे में से चूजे निकाली है और आप घर में ही एक दो मुर्गियां पालते हो, तो उस चूजे को आप क्या खिला सकते हो और कैसे देख रेख कर सकते हो, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी मुर्गी है दोस्तों, और इसके पास चूजे करीबन दोस्तों 15 चूजे है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास 15 चूजे है दोस्तों। और ये मुर्गी अभी 4 दिन हो चुका है इस मुर्गी ने अंडे में से चूजे निकाली है दोस्तों, और ये हमारे पूरे 4 दिन हो चुके हैं दोस्तों चूजे, और पूरे तरीके से अच्छे है दोस्तों। और जो ये मुर्गी है दोस्तों, इसके चूजे है, तो ये अपने अभी बरसात के समय सब ये मुर्गियाँ अपने चूजे को अच्छे से ध्यान रखती है, और दोस्तों इसे फीड भी अच्छे तरीके से देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा ये चूजे छोटे छोटे चूजे दोस्तों फीड खाएंगे, उतने वो अच्छे रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे अच्छे तरीके से हमारी जो मुर्गियाँ दोस्तों पूरे अच्छे रेंगती है और घूमती फिरती है ना इधर उधर, पूरा अच्छे तरीके से चूजे का ध्यान भी रखती है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे चूजे हमारे बैठे हुए हैं। अभी चल रहा है दोस्तों बरसात का मौसम, इसीलिए दोस्तों ये हमारी मुर्गी ने पूरा अपने चूजे को अपने अंदर धर यानी समर ली है अपने गोद में। और दोस्तों आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से हमारे चूजे पूरे चूजे उसके अंदर चली गए। तो दोस्तों इसे आप अच्छे तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। और दोस्तों आपके पास जैसी मुर्गी है और वो चूजे भी उसके छ, तो दोस्तों आप ना वैक्सीन कर सकते हो, ना मिशन वगैरह नहीं भी दूंगे तो चल जाएगा दोस्तों अच्छे रहिए, लेकिन बाहर चरने के लिए छोड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मुर्गी को आप मेडिसिन या वैक्सीन नहीं भी करोगे तो आपका चूजा तंदुरुस्त और अच्छा भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको अपनी मुर्गी और उस चूजे को बाहर चरने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाहर जितना ज़्यादा मुर्गी चरती है उतना वो अच्छी रहती है, बीमारी मुक्त रहती है, और दोस्तों आपकी मुर्गी तंदुरुस्त भी रहती है। और ये हमारा देख सकते हो, ये हमारी मुर्गी कितने अच्छे तरीके से बैठी हुई है। और दोस्तों ये मुर्गी दोस्तों अभी ये चूजे हमारे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये हमारे चूजे कितने अच्छे है और तंदुरुस्त भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बारे में दोस्तों आप फीड मार्केट वाला भी दे सकते हो या घर का भी फीड दे सकते हो दोस्तों, दोनों फीड का यूज कर सकते हो, या तो दोस्तों आप मिक्स करके भी दोनों फीड का यूज कर सकते हो यानी मिक्स करके भी दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मार्केट वाला फीड तो ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप मार्केट वाला भी फीड यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मल्टी विटामिन है वो सब मुर्गी को मिल सकता है, और आप मेडिसिन का भी यूज कर सकते हो। वैसे तो देसी मुर्गी में दोस्तों ज़्यादा बीमारी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत आप मेडिसिन का भी यूज कर सकते हो दोस्तों। मेडिसिन में आप बायो पोल्ट्री मेडिसिन का यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो मुर्गी को विटामिन या मिनरल्स की जो कमी है वो मुर्गी को पूरी तरह से मिल जाएंगी, और जो चूजे को जो मल्टी विटामिन की जो कमी है वो दोस्तों पूरी तरीके से मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपका चूजा तंदुरुस्त रहेगा और अच्छा भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख ही सकते हो हमारी मुर्गी कितने अच्छे तरीके से बैठी हुई है और खेल रही है, और दोस्तों बाकी की मुर्गियाँ दोस्तों वो पूरी अच्छे तरीके से घूम रही है, फीड वगैरह खा भी रही है और इधर उधर घूम रही है दोस्तों। ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारी मुर्गियाँ इधर उधर घूमती है और रहती है दोस्तों। अभी चल रहा है बरसात का मौसम, इसीलिए दोस्तों आपको पानी वगैरह का वोल दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है दोस्तों, इसीलिए वोल दिख रहा है हमारे फॉर्म में। इससे क्या होगा दोस्तों कि बीमारी बहुत ज़्यादा आने का खतरा रहता है पानी की वजह से, लेकिन हम इसे मल्टी विटामिन भी देते हैं
लेग्जिम पाउडर का ज़्यादा यूज करते दोस्तों बरसात के समय, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लेग्जिम पाउडर का यूज करने से दोस्तों लेग्जिम पाउडर मेडिसिन है दोस्तों, वो कोई भी बीमारी हो वो लेग्जिम पाउडर दोस्तों 80% बीमारी दूर कर देता है और आपकी मुर्गी अच्छी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम ज़्यादा करके लेग्जिम पाउडर का यूज करते हैं। हफ्ते में दोस्तों 2 से 3 दिन हम लेग्जिम पाउडर का पानी देते हैं दोस्तों, इससे मुर्गियाँ अच्छे तरीके से रहती है। नहीं तो आप देख ही सकते हो, ये हमारा फार्म है दोस्तों बहुत ही गीला हो चुका है और इसमें ज़्यादा मुर्गी को बीमारी आने का जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में।